अपनी हाथ की आवाज। आज हम खड़े हैं दड़ा बाजार बजरिया चौक, जो हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है। ऐसा बाजार जो जिसे हम कनॉट प्लेस भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भीड़ा जरूर है ये, लेकिन यहाँ ग्राहकों का आवागमन बहुत रहता है। और यहाँ पर ऊन की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, लेकिन यहाँ इन दुकानदारों की कुछ अपनी समस्याएं हैं। नगर परिषद ने सड़क बनाई है और सड़क का पूर्ण निर्माण तो कर दिया, लेकिन क्या पानी की निकासी हुई? क्या कूड़ा यहाँ उठाने के लिए कोई आता है? तो आइए इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब से क्या नाम है आपका? जनाब हरिंदर वधवा। वधवा साहब बताइए कि क्या समस्या है आपकी? ये तो बजरिया बाजार बोलते हैं यहाँ। समस्या ये है जी, जब ये गली का निर्माण करवाया गया था तो इन्होंने कहा था या आप नालियाँ बंद करवा दो, हम पानी की निकासी करवाएंगे, जालियाँ लगवाएंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, नाली बंद करवा दी। वो पानी यहाँ खड़ा रहते जी, सुबह हम साफ सफाई करते तो पानी यहीं खड़ा रहते है। दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्कूटियां स्लिप मार जाती। एक्सीडेंट भी होता? हाँ जी, 2-3 बार स्कूटियां स्लिप मारती है रोज का। और ये यहाँ कूड़ा घर बना दिया जी, यहाँ सारा ही कूड़ा करकट। ये देखिए यहाँ लग रहा है ये डेब्रिश है कूड़े का, ये यहाँ कूड़ा डंपिंग सेंटर बना दिया गया लगता है ऐसे बाजार के बीचों बीच। यहाँ यानी कि ये दुकान बंद जरूर है, अगर इस दुकान पर कोई ग्राहक चढ़े तो कैसे चढ़े ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि नगर परिषद वाले ये बता पाएंगे, ये दुखी ये दुकानदार बता पाएंगे। भाई साहब से मैं जानूंगा, भाई साहब आप वर्षों से इस, मैं देख रहा हूँ कि इस बाजार में गुलजार करते हैं, लोगों को यानी ग्राहक आते हैं, तो क्या समस्या क्या है आपकी? आप अगर वर्षों से देख रहे हो तो ये साइट बड़ा प्यारा था, बड़ी अच्छे रोड थे यहाँ। जिस बंदे ने इस रोड को बनाया है उसने ये हमारे को ये बताया था भाई जितने भी सड़क है इसके अंदर 4 या 5 हम इसके अंदर जाली लगवाएंगे। उन्होंने एक नहीं लगवाई, हमारा बुरा हाल कर दिया। ये सड़क क्या बनाई है, नरक बना दिया हमारे लिए। मैं ये चाहता हूँ को उनको ये बतला दिया जाए और सड़क को पूरा निर्माण ना किया जाए तो जाले जरूर रखी जाए। क्या नाम आपका? हरमंश लाल नागपाल। नागपाल साहब, अगर नगर परिषद ने बिना प्लानिंग के और बिना किसी यानी कि नक्शे के ये बनाया है तो अगर वो इसमें सुधार नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि उसको पुनर्निर्माण ना कराया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर निश्चित तौर से इसकी व्यवस्था की जाए ताकि ये पानी तो निकल सके। आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हो कि इसके अंदर सारा गंद मचा रहता है, आती जाती हमारी बहनें गिरती हैं, ग्राहक बहुत तंग है, इसलिए हमारी मार्केट की वैल्यू भी डाउन हो चली है। मैं इनको बताना चाहता हूँ नगर परिषद को, जिस ठेकेदार को आपने ठेका दिया है वो आके देखे और इसकी व्यवस्था करे, अदरवाइज इट इज नॉट सूटेबल फॉर यू, आई एम सेइंग यू इट इज नॉट सूटेबल फॉर नगर परिषद। कंट्रोल ऑन दिस, हिंदी तो मैं बोलता हूँ, मेरी आदत खराब है, इसलिए मैं बताने चला हूँ सड़क निर्माण का। दोबारा ये जताने चला हूँ जो भी इसके अंदर कमियाँ हैं उसको ठीक करो, वरना हम ऊपर से ये इसकी शिकायत देने चले हैं। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब आएं, उनको देखें भाई इतना कितना बुरा हाल है। धन्यवाद साहब। नागपाल जी बड़े जोशीले हैं और इनका दर्द मैं भी समझ पा रहा हूँ कि भी ये वाकई इस कूड़े के अंदर रहेंगे या पानी की निकासी के लिए नालियां तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन इनकी मुख्य समस्या यह है कि सीवर के पास कोई जाली नहीं छोड़ी है। तो नगर परिषद से भी हम गुजारिश करेंगे कि जब भी कोई निर्माण करे तो पहले पानी की निकासी हो। और प्री मानसून आ चुका है, बारिश का सीजन आने वाला है, ये दुकानदारों की दुकानों में पानी जाएगा क्या? ग्राहकों को पानी में से गुजरना पड़ेगा क्या? हम आपकी आवाज़ बनकर ऊपर तक पहुँचाएंगे। दरअसल जितने भी आप यहाँ खड़े हैं हम फिर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी कोई ना कोई मेमोरेंडम दीजिएगा ताकि नगर परिषद की भी आँख खुले कि बिना प्लानिंग के कोई काम ना करें। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हंसी की आवाज़। इसी तरह हम लोगों की आवाज़ बनकर ऊपर तक पहुँचा।